आम चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश भर में मुहिम चल रही है। इस तरह की कोशिश में सामाजिक संस्थाएं भी और आम लोग भी दोनों ही प्रयासरत हैं। बीकानेर में कुछ इसी तरह का प्रयास दिखा, जहां की छात्राएं रंगोली बनाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और अधिकारियों की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए बीकानेर में गुरुवार को रेनबो वीक शुरू हुआ और छात्राओं ने खूबसूरत रंगोली बनाकर लोगों को वोट देने का संदेश दिया। आप देख सकते हैं कॉलेज की बच्चियों की ये खूबसूरत रंगोली, ये यही संदेश दे रहा है कि वोट देने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। यहाँ पे रंगोली बनाई है जिससे लोग इसको देखे और जागरूक हुए कि ये किस चीज के, और यहाँ पर आकर्षित हुए और उनको पता चले कि अच्छा 17 अप्रैल को मतदान है तो मतदान करने जरूर जाए। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि सब 17 अप्रैल को मतदान करने जरूर जरूर जाए। जो हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने ये रंगोली का प्रोग्राम किया है, हमने कलेक्टर ऑफिस के सामने ये रंगोली बनाई है जिसके आधार से हम लोगों को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि लोग मतदान करें ताकि हमारे देश को एक अच्छी सरकार मिले और हमारे देश में प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक लोग जागरूक हो जाए ताकि हमारे देश में कोई भी भ्रष्टाचार वगैरह ना फैले। बीकानेर में जिला कलेक्टर भी मतदाताओं को जागरूक बनाने के अभियान में लगी हुई है और वो चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। अब हमारे ऑलमोस्ट रोज के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और निर्वाचन विभाग के डायरेक्शन अनुसार रेनबो वीक भी मनाई जा रही है, उसके तहत आज रंगोली का ये कार्यक्रम रखा गया है और कई जगह शहर में गांव में सब जगह इस प्रकार के प्रोग्राम्स रखे गए और प्रयास यही है कि लोगों को अवेयर कराएं। प्रशासन और बच्चे तो लोगों में मतदान की अलग जगाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस अभियान की सफलता इसी में है कि लोग मतदान वाले दिन घरों से बाहर निकलें और वोट दें।